नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जयशा सर्वाधिकारी। रामगढ़ से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा तीव्र गति से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में टीकाकरण शिविरों का आयोजन कर लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्रम में शहर स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मॉडल टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ उपायुक्त संदीप सिंह द्वारा किया गया। मॉडल टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की दो टीमों के द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर जिले के उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने बताया कि यहां पर 45 वर्षीय से अधिक एवं 18 से 44 वर्ष तक के सभी प्रकार के लोग यहां पर टीका ले सकते हैं। यह एक स्थायी टीकाकरण केंद्र है जिसकी मांग लोगों को काफ़ी दिनों से थी। टीका लेने के बाद लोगों को यहां से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पूरी एक व्यवस्था यहां मौजूद है जो मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर में होना चाहिए। केंद्र में वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों ने कहा कि सभी लोग आगे आकर वैक्सीन ले और देश और रामगढ़ को कोरोना मुक्त बनाने में अपनी अहम भागीदारी निभाए। रामगढ़ में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके लिए हम पूरे रामगढ़ जिला प्रशासन की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के बीच में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया, उससे आम जनों को बीच में जागरूकता आएगी और वैसे लोग जो समय अभाव में या किसी अन्य परेशानी के चलते अपना वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पाए थे वो लगवाने सकेंगे। हम लोग को यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोरोना हरेगा, भारत शहर एरिया के 45 प्लस उम्र के और 18 से 44 उम्र के जो ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ आके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा स्कूल कैंपस है, बड़ी जगह है यहाँ पर, तो हमारी मल्टीपल वैक्सीनेशन के टीम्स यहाँ पर रहेंगी और स्थायी कैंप है ये। शहरी क्षेत्र हम लोग देख रहे थे कि लोगों की डिमांड थी कि एकदम मेन शहर के बीच में प्रॉपर सेंटर हो जहाँ वॉकिंग करके लोग जब भी चाहें तब आके वैक्सीनेशन करा सकें और किसी कड़ी में आज हम लोग जो नाना चलिए देखते हैं सुविधाएँ हम लोग जैसे बाकी वैक्सीनेशन सेंटर में कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि शहर के बीच में है तो वॉकिंग करके कभी भी लोग आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जब लोग आएंगे तो साथ में एक सर्टिफिकेट काउंटर यहाँ पर है, उनको सर्टिफिकेट भी यहाँ प्रिंट करके मिलेगा, ऐसे वो लोग खुद से अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेली आके यहाँ पर पर्याप्त सिटिंग अरेंजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस के साथ में यहाँ पर मेडिकल टीम्स रहेंगी। तो पूरी एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो होंगी। ये सरकार द्वारा जो कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन का मुहिम चलाया गया है, लोग अच्छा भीड़ लगाए हुए हैं और उत्तेजित भी है वैक्सीन लेने के लिए। दूर से भी लोग आ रहे हैं, कोई हजारीबाग ज़िले से हैं, कोई रामगढ़ ज़िले से हैं, ताकि ये कोरोना से ही एकमात्र बचाव है वैक्सीन। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। हम लोग की तरफ से शुरू किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ा हॉल है, पूरा स्कूल कैंपस है, यहाँ पर हम लोग 45 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों के लिए वॉकिंग सेंटर, कोई भी यहाँ सीधे आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 24/7 चलेगा वैक्सीनेशन सेंटर, स्पेसिफिक सेंटर है, लोग यहीं आकर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। वैक्सीनेशन के पश्चात ऑब्जर्वेशन सेंटर भी यहीं बनाया गया है, सर्टिफिकेट जो उनको यहीं से मिलेगा क्योंकि शहर के बीच में है। तो इसी सेंटर पर हम लोग 18 से 44 साल के लोगों का भी वैक्सीनेशन का परमानेंट केंद्र इसको बना रहे हैं। जो उसके लिए प्रक्रिया वही रहेगी जो बाकी केंद्रों की है, पहले रजिस्ट्रेशन करके लोगों को आना होगा और लोगों से अपील यही है किसी भी तरह की गलतफहमी, किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पूरे जिले में लगभग 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, किसी भी तरह का कोई भी आफ्टर इफेक्ट का दुष्प्रभाव इस वैक्सीन से नहीं है। आप तुरंत आएँ वैक्सीन लें और सुरक्षित रहें। खुद को है आईने सी
दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। झिंगा ला झिंगा 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 झिंगा।